आपको पता ही है कि हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है वो एजुकेशनल मेथड्स के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर हम सारे एजुकेशन से रिलेटेड मेथड्स कर रहे हैं साइकोलॉजी और पेडागॉजी के सिलेबस के लिए। और ये मेथड हमारे किस तरह से यूज़फुल हैं एज अ टीचर, आई डोंट नो कि मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक आप इन मेथड्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको इनको अप्लाई करने के लिए भी पता नहीं होगा कि किस बच्चों के लिए आपको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करने हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके अवगुण वगैरह क्या हैं, क्यों आपको ये हार्म हो सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको जाननी चाहिए। और इन मेथड्स का यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए है वो आपको पता ही है कि वहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं कि ये वाला मेथड किसने दिया, किस लिए हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सी एज के लिए यूज़फुल है, या इस मेथड्स के द्वारा क्या बातें रखी गई हैं, इसके गुण अवगुण क्या हैं, आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चनिंग वो कर लेते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि किस टाइप से मेथड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो हम मेथड करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चनरिंग मेथड, यानी कि प्रश्न वाली विधि। इसके अंदर आप क्वेश्चनरी से आपको पता चल ही रहा होगा कि इसके इस मेथड मतलब ये मेथड किस पे रिलेट है या कुछ है। इस मेथड के थ्रू आप बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चनिंग किसी भी रूप में हो सकती है, मतलब एज अ टीचर क्लासरूम टीचिंग के अंदर जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ लिए कि बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया नहीं आया, आप हाँ या ना में आंसर करेंगे। और अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछ लूँ कि बच्चों ये जो मेथड है हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो छोटा सा आप एक लाइन में या दो लाइन के अंदर मुझे आंसर कर देंगे। तो ये क्या होता है, हाँ नहीं सही गलत, इस टाइप के जो आंसर मिलते हैं हमें या इस टाइप की जो क्वेश्चनिंग होती है वो होता है हमारा क्वेश्चनरी मेथड, यानी कि प्रश्न वाली विधि। इसके अंदर और ये क्या है, हम कहीं पर भी कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है या कुछ फैसिलिटीज़ रखनी है या बाहर से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को इन्वॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर आप क्लासरूम टीचिंग के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, बातचीत करते हुए किसी एक्टिविटी ग्राउंड में, कोई क्रिएटिविटी करते हुए, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चनिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, पहली बात सही या गलत में आंसर करके, हाँ या नहीं में आंसर करके। और इसके थ्रू क्या करते हैं, हम बच्चे का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं, उनका एप्टीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बच्चों आपकी आपको एक बच्चे को मैंने क्लासरूम में खड़ा किया और मैंने उससे पूछा आपको 5 का टेबल आता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन का वो क्या आंसर करेगा, अगर उसको आता है तो येस मैम आता है, हाँ मैं आंसर करेगा, और अगर उसको नहीं आता है तो सिंपल सा वो क्या आंसर करेगा, नो मैम मुझे नहीं आता। अगर लेकिन मैं उससे पूछूं कि गिव मी एनी 2 रीजंस, गिव मी एनी 5 रीजंस कि आपको क्यों नहीं आता या आपको कुछ लर्न करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर क्या करेगा वो एक दो लाइन में मुझे आंसर करेगा कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है या मैं याद नहीं कर पाता हूँ, याद कर लेता हूँ बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। इस तरह से जो 2-3 लाइन के अंदर आंसर करेगा वो भी एक तरह की हमारा क्वेश्चनिंग मेथड के अंदर ही आता है। ओके, तो इसके अंदर आपको पता ही है इट्स वेरी सिंपल मेथड टू अप्लाई, आप कभी भी कहीं पर भी अप्लाई इसके कर सकते हो। तो इसका गुण है ये कि आप इसमें मतलब आपको कुछ प्री प्लान या इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं होती, कोई बाउंडेशंस नहीं होती आपके क्वेश्चनिंग मेथड में कि आपको इस तरह से अप्लाई करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चनिंग मेथड के 2 टाइप होते हैं वो समझ लेते हैं। टाइप ऑफ 2 टाइप कौन से होते हैं इसके, टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग मेथड 2 टाइप कौन से हो गए, एक हो गया
खुला प्रारूप यानी कि ओपन, ओके ओपन, और एक हो गया बंद प्रारूप यानी कि क्लोज्ड। इसके टू टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग मेथड हैं, एक खुला प्रारूप एक बंद प्रारूप। यानी कि खुला प्रारूप क्या होता है, ओपन। ओपन में क्या होता है, आपको पता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उसके अंदर एक या दो लाइन के आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जैसे आपने रीजंस मांग लिए किसी क्वेश्चंस के थ्रू, या फिर कोई आपने बोल दिया कि इसके बेनिफिट्स बताओ, इसके हार्मफुलनेस बताओ, तो वहाँ पे क्या है आपका खुला प्रारूप इस्तेमाल होगा। और वहाँ पे जो, और बंद प्रारूप के अंदर क्या चीज़ें हैं जिसमें केवल आपको हाँ ना में आंसर करना है, सही गलत के आंसर करना है, वहाँ पे बंद प्रारूप आपको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब यूज़फुल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए यूज़फुल है। कि बंद प्रारूप के अंदर केवल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जहाँ पे सही गलत हाँ ना में आंसर दिया जाए। लाइक मैंने अगर पूछ लिया बच्चों से कि आपको कुतुब मीनार पसंद है, तो हाँ नहीं, आप कुतुब मीनार गए हैं हाँ नहीं, वहाँ पे क्या होगा इस तरह की क्वेश्चनिंग वहाँ पे होगी, और वैसे ही आंसर्स आपको बच्चों से सुनने को मिलेंगे। वहाँ पे लॉजिक है यार, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे अगर मैंने बच्चों से पूछा कि आप कुतुब मीनार गए हैं, तो वहाँ पे आप लॉजिक है कि आपको हाँ ना में ही आंसर करना है। वहाँ पे आपको ये तो आंसर नहीं करेंगे ना कि मैम हम गए थे, ये हुआ वो हुआ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछा है कि आप गए थे या नहीं गए थे, सिंपल। आपको आंसर भी उतना ही करना है, हाँ मैं गया था, हाँ मैं नहीं, नहीं मैं नहीं गया था, ओके। तो इसीलिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इसका लॉजिक होता है वो वहाँ पे पुट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चनिंग मेथड और इंटरव्यू मेथड जो हम पहले अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि इंटरव्यू मेथड के अंदर भी आप, जब एक इंटरव्यूअर होता है बच्चे के सामने, एक ऐसा ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट होता है, या इंटरव्यू मेथड जो प्रोसेस है वो अप्लाई किया जाता है, उसके अंदर भी क्या है क्वेश्चनिंग की जाती है। वहाँ पर भी आप क्वेश्चनिंग के थ्रू ही बच्चे का इंटरेस्ट, योग्यता, एबिलिटी और ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हो कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। लेकिन क्वेश्चनिंग मेथड में और इंटरव्यू मेथड में डिफरेंस ये है कि एक जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट्स होते हैं, या फिर जो एक सरलता का गुण होता है, वो आपका क्वेश्चनिंग मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्वेश्चनिंग मेथड के अंदर आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टीचर के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, स्टूडेंट्स के थ्रू। ज़रूरी नहीं है ये कि मैं टीचर हूँ तो मैं ही क्वेश्चन करूँ। आप कई बार ऐसी कंडीशंस भी वहाँ पर रख सकते हैं कि चलिए एक ग्रुप बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे से क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू कुछ जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या किया कि बच्चे को एक ग्रुप बनवा दिए कि हमने चार ग्रुप बना लिए, दो ग्रुप बना लिए, तो उसमें पांच बच्चे एक दूसरे से आपस में कोई ना कोई क्वेश्चन पुट करेंगे। और वहाँ पे क्या है, बच्चों की एक्टिविटी प्लस आपका क्वेश्चनिंग मेथड भी अप्लाई होता है। आपको जो बच्चे के बारे में जानना है वहाँ पर भी आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं। लाइक एक ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो ग्रुप डिस्कशंस के लिए वहाँ पे ठीक तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। बच्चों को यही नहीं पता होता कि अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे, क्योंकि बच्चों के, छोटे बच्चों में इतना भाषा ज्ञान नहीं होता है कि वो अपनी बात को, अपने शब्दों को ठीक तरह से ढाल पाए, उनका निर्माण कर पाए, वाक्य बना पाए। लेकिन बच्चे, बड़े बच्चों के अंदर उनकी मेंटल एबिलिटी और भाषा विकास ज्ञान इतना डेवलप हो जाता है कि उनको अपनी बात कहने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। उनको अगर कोई बात बोलनी है, जैसे मैं हूँ आपके सामने खड़ी होकर कोई आपको, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो मुझे कोई किताब की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, कोई भाषा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि मुझे इस शब्द को यहाँ पे ये ऐसे रखना है, इस शब्द को यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे क ख ग माँ यहाँ आएगा, यहाँ पे ये मात्रा आएगी, वहाँ पे वो मात्रा आएगी, या यहाँ पे मुझे आ माँ चा का प्रयोग करना है, नहीं करना है। क्योंकि मेरी मेंटल एबिलिटी, मेरा भाषा विकास इस एज में इतना हो चुका है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ अच्छे से। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, उनका भाषा विकास और वोकैबुलरी और बाकी चीज़ें या मेंटल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो अपने आप को इस तरह से ग्रुप डिस्कशन के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, ओके। तो इसीलिए जो हमारा ये क्वेश्चनिंग मेथड है, आपको इसके अंदर दो तीन पॉइंट्स पता चले गए हैं
सही गलत का यूज़ किया जाता है, हाँ ना में क्वेश्चनिंग की जाती है। टू टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग मेथड्स होते हैं, खुला प्रारूप और बंद प्रारूप। ओके, अब इसके बाद हम इसके गुण अवगुण समझ लेते हैं कि क्वेश्चनिंग मेथड को कहाँ, क्यों, कब अप्लाई करना चाहिए, किस लिए अप्लाई करना चाहिए और किस लिए नहीं करना चाहिए। अगर इसके कुछ गुण हैं, कुछ फ़ायदे हैं, तो कुछ हार्मफुलनेस भी होगी, कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे ही होंगे। तो इसीलिए अब इसके गुण अवगुण देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चनिंग मेथड का गुण है वो है सरलता का गुण। मैंने अभी डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा जो सरल है प्रश्न वाली विधि, बहुत ज़्यादा सरल है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं ये अपनी क्लास में भी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न वाली विधि है क्या, कितने टाइप की है और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेती हूँ कि कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न वाली विधि जो है, यानी कि क्वेश्चनिंग मेथड जो है, वो किन किन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है और आप कौन सी क्लास के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मेरे द्वारा अब क्या किया गया, एक क्वेश्चन पुट किया गया। अगर आप मुझे इसका आंसर्स करते हैं कमेंट सेशन में, तो वहाँ से जो मुझे आंसर आपके प्राप्त होंगे वो कुछ लाइन में, एक दो लाइन में प्राप्त होंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे कौन सा खुला प्रारूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने साथ सरलता का गुण लिए हुए है। आप कहीं पर भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, बट ध्यान ये रहे कि वो इस रूप में हो कि किसी बच्चे को कोई गलत ज्ञान प्राप्त ना हो, सही ज्ञान सही दिशा में प्रदान किया जाए। इसके बाद इसमें क्या है, सेकंड जो इसका गुण है, कम समय व कम खर्चीली। ठीक है, समय कम लगता है, खर्चीली कम है, क्योंकि अगर मैं एज अ टीचर या क्लासरूम टीचिंग के अंदर कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी क्या है, क्लास के अंदर अपने टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो दो मिनट में क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ, 5 मिनट में कर सकती हूँ, 10 मिनट में कर सकती हूँ, पूरा अपना पीरियड ख़त्म होने के बाद क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिसाइड नहीं है, मैं 4 पूछ सकती हूँ, 5 पूछ सकती हूँ, 15 पूछ सकती हूँ। तो इस तरह से क्या है, बहुत कम समय भी लग सकता है, खर्चीली भी कम होती है, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, कोई चीज़ बाहर से यूज़ नहीं करनी पड़ती है कि आपको प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, आपको बोर्ड्स की ज़रूरत है, मार्कर की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप एज अ टीचर सामने प्रेजेंट हैं बच्चों के, आपको अपने भाषा ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बस आपको बोलने की ज़रूरत है। आपने बोला और बच्चों से क्वेश्चन पुट किया और बच्चों ने भी बोला और आपका आंसर किया, सिंपल। तो इसीलिए बहुत कम समय भी लगता है, खर्चीली भी कम है, बहुत सरलता का गुण है कि आप कभी भी कैसे भी इसको बच्चों के सामने यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ आती है देखने के लिए कि संकोचशील, थर्ड पॉइंट है इसका, जो बच्चे थोड़े से संकोचशील होते हैं, मतलब जो कोई बात बोलने में हेजिटेट करते हैं, सॉरी बोलने में नहीं, जो अपने आप को ठीक तरह से व्यक्त करने में कॉपी में थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि भाई मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, जैसे मेरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको भी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि मैम लिखती क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे मुझे भी कई बार ना लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ, वो सामने वाले को लिखने मतलब देखने में बड़ा अजीब लगेगा कि इसने लिखा क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, राइटिंग इतनी ख़राब है। तो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, संकोचशील होते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई मैं अपने आप को, और कुछ बच्चे होते हैं कि प्रॉपर ढंग से अपने आप को भाषा के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मतलब जो उनके मन में चल रहा है उनको शब्दों में कैसे ढाल के किताबों में लिखना है वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो बच्चे जो ऐसे होते हैं उनके लिए सबसे बेनिफिशियल हमारा क्वेश्चनरिंग मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों के साथ अगर आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें और बच्चों से आप कोई सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट वोकेशनली आपको पूछना है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आपने डायरेक्ट उठा के और पूछ लिया कि बताओ इसका आंसर क्या है, तो बच्चे वहाँ पे क्या है हेजिटेशन का, मतलब उनको हेजिटेशन हो जाएगी और बच्चे वहाँ पे घबराने लगेंगे कि मैम ने ये एकदम से क्या पूछ लिया, नर्वस हो जाएंगे। तो पहले आप बच्चों के साथ ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करें, फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप करें, जैसे आपने हंसी मजाक के आके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए कि आप को, या इधर उधर के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, आप इधर उधर गए थे, कहाँ गए थे, क्या चीज़ आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, ऐसी चीज़ें आपने पूछ ली और बच्चों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे दिया ताकि वो आपके साथ बहुत ओपन हो जाएं, तो आप फिर देन आप उससे अपने कंटेंट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं और बच्चे भी आपको प्रॉपर वे में आंसर कर सकते हैं। और थोड़े जैसे इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं ना, थोड़े कुछ होते हैं एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात को कहने के लिए वो कहीं भी चूकते नहीं हैं, कभी भी कोई भी मौका देखा और फटाफट अपनी बात बोल दी, मतलब उनको रिप्रेजेंट हो, क्रिएटिव हो, शार्पनेस हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, वो हर चीज़ में आगे रहते हैं एक्स्ट्रोवर्ट बच्चे। लेकिन जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी टाइप, वो क्या होते हैं, थोड़े पिछड़े हुए होते हैं, उनको क्या होता है अपनी बात कहने में थोड़ी नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, वो सोचते ज़्यादा हैं, वो कोई भी अपने आप को ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन वाले बच्चों के लिए क्वेश्चनिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसके अंदर हम छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सिंपल हाँ ना, सही गलत या एक दो लाइन, तो इसलिए बच्चों को इतना ज़्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में हेजिटेशन करें, क्योंकि आपको सिंपल पूछना है आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, तो हाँ या ना, नहीं पसंद, पसंद है, सही गलत, या छोटा सा एग्जाम्पल पूछ लिया या छोटा सा आपने कोई रीज़न पूछ लिया, तो इससे क्या होगा बच्चे एक दो लाइन में अपनी बात कह के ख़त्म कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए बच्चे वहाँ पे कुछ ज़्यादा नर्वस नहीं होंगे। तो ये तीन पॉइंट आपको पता चल गए संकोचशील बच्चों के लिए लाभदायक है एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है, इससे बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और मतलब एक ऐसे शील गुण प्राप्त कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर आपको किसी भी शील गुण के या ट्रेड्स के बच्चों के बारे में जानना है, पहचानना है, तो क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब गुण के साथ साथ हम इसके अवगुण भी देख लेते हैं कि इसके अवगुण क्या हैं। अब इसके अवगुण के बारे में बात करते हैं, जो इसका पहला अवगुण है वो है वैधता, वैधता ना होना, मतलब इतना वैलिड नहीं होता है या वैलिडिटी नहीं होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की, मतलब वैधता ना होना, वैलिड नहीं होना, वैलिड से क्या मतलब है हमारा, वैधता से क्या मतलब है, मतलब बच्चे इसमें अगर वैधता से, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि वैधता का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाना है तो उससे पहले क्या है, आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, ओके, कि हमें इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद बच्चों के द्वारा ये चीज़ें अचीव, ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट उन ऑब्जेक्टिव्स, उन गोल्स और उन ऑब्जेक्टिव्स को जो आपने पहले सेट किए हुए हैं उनको फुलफिल करने में हेल्पफुल है कॉन्सेप्ट, तो मतलब वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो वैध है, मतलब वो वैलिड है। आप अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स या सेट किए हुए गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, कोई भी कंटेंट के द्वारा, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो मतलब वो वैलिड है, वो फुलफिल कर रहा है, तो मतलब वो वैलिड और वैध है। लेकिन प्रश्न वाली विधि में वैधता का गुण क्यों नहीं है, मतलब इसीलिए नहीं है क्योंकि जो हमने पहले ही प्री प्लानिंग करके जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अपने माइंड में सेट किए हैं कि बच्चों से ये क्वेश्चनिंग करने के बाद हमें ये ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो जाएगा, वो वैध क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं सच बोले, वहाँ पर बच्चे झूठ भी बोल सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कुतुब मीनार के बारे में कुछ पता करना है बच्चों से,
ठीक है, तो आप सबसे पहले या आपका कॉन्सेप्ट या जो कंटेंट है आपको कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चे से अगर आप पहले जानना चाहेंगे कि किन किन बच्चों को कुतुब मीनार के बारे में पता है, किन को नहीं पता, मतलब आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज पहले चेक करते हैं ना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस नॉलेज से नया कंटेंट रिलेट करेंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। अगर मैं बच्चे को किसी बच्चे को ताजमहल के बारे में पढ़ाऊँ अपनी क्लासरूम में, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होगा कि बच्चों आपने ताजमहल देखा है, आप गए हैं? जो बच्चे गए हैं वो हाँ ना में आंसर करेंगे, जो नहीं गए वो भी बताएंगे, और हो सकता है कि कुछ बच्चों ने रियल में देखा हो, कुछ ने केवल पिक्चर्स में देखा हो, घर में लैपटॉप टीवी इन सब चीज़ों में देखा हो, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं क्लासरूम में कि वो गए नहीं हैं, उन्होंने ना कभी देखा है, ना पिक्चर्स में, ना लैपटॉप में, ना टीवी में, ना रियल में देखा है, लेकिन वो बाकी बच्चों को देखा देखी हाँ में आंसर कर देते हैं कि मैं ही पीछे क्यों रहूँ, मैंने भी देखा है, हाँ मैंने भी देखा है, उसने भी हाँ में आंसर कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी उस बच्चे के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि बच्चे ने देखा ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसने झूठ बोल के वो चीज़ वहाँ पे वैलिड कर दी कि मैंने देखा है। तो इसीलिए वैधता का गुण इस क्वेश्चनिंग मेथड में नहीं मिलता है। कई बार बच्चे अगर हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी कुछ आंसरिंग बच्चों से कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्या है, कुछ बार ऐसे भी होता है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, या वो कम्फर्ट लेवल जो उनका होता है, कम्फर्ट जोन, वो फील नहीं कर पाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में भी वहाँ पे हाँ ना जल्दी करके भाग आते हैं, तो वहाँ पे भी हम उसकी वैलिडिटी नहीं रखते हैं। ओके, और सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा क्वेश्चनिंग मेथड है, जो उसकी भाषा का इस्तेमाल, मतलब जो आपका क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ कर रहा है, जो अप्लाई कर रहा है बच्चों के ऊपर, मैं अप्लाई कर रही हूँ, कोई अनदर टीचर कर रही है, आपकी मम्मा कर रही हैं, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, कोई भी, उनको अपनी भाषा का इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो आपसे ठीक तरह से एक गुड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चनिंग कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बारी ये होता है कि जो मुझे पूछना है या जो मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी भाषा के अकॉर्डिंग या मेरी भाषा में विकृति के अकॉर्डिंग, मतलब अगर मैं ठीक तरह से नहीं बोल पा रही हूँ, मैं हकला रही हूँ, तुतला रही हूँ, या फिर मेरा एक प्रोनंसिएशन का लेवल ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे मुझे रुक के बोलना है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलना है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे भी उस जो उन्होंने सुना है उसको भी गलत वे में ले जाते हैं, मतलब जिस रूप में आप अपनी बात कहना चाहते हैं, बच्चे उस रूप में उस बात को ना लेते हुए किसी और रूप में ले लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है, प्रोनंसिएशन का फ़र्क होता है, भाषा, कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि सेम सेंटेंस होता है, सिर्फ उसको बोलने का तरीका इस रूप में होता है कि उसका अर्थ बदल जाता है। तो क्या होता है, अगर कोई भी बात का केवल एक बिंदु या एक क्वेश्चन या किसी भी रूप में से बोलने के फ़र्क से उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाए, तो इसी रूप में एज अ टीचर बच्चे के लिए इतना, या फिर एज अ टीचर या कोई भी जो आपकी क्वेश्चनिंग कर रहा है उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसी बात को किस रूप में रखना है, ताकि उसका अर्थ बच्चे भी वही समझे जो आप कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कि मैंने कुतुब मीनार के बारे में पूछना है, बच्चे ले गए कहीं और, कि बच्चे को समझ आए कि मैडम तो ताजमहल के बारे में पूछ रही है, तो ताजमहल के बारे में बता दो। तो इसीलिए मैडम को या टीचर को, एज अ टीचर, अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि आपको किस रूप में रिप्रेजेंट करना है, किस रूप में अपनी भाषा का या प्रोनंसिएशन का इस्तेमाल करना है। थर्ड पॉइंट है इसमें प्रत्याहान, मीन्स रिकॉल। कई बार क्वेश्चनिंग मेथड के अंदर ये अवगुण होता है हमारा
कि बच्चों को किसी भी क्वेश्चन जो टीचर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है या किसी के द्वारा भी पूछा जा रहा है उसका ज्ञान होता है, उसको पता होता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन उसको रिकॉल करने में, प्रत्यान करने में इतना टाइम लग जाता है या सोचने में इतना टाइम लग जाता है कि वो उस टाइम पे आंसर नहीं कर पाता है। कई बार आपने अपने खुद के रियल एक्सपीरियंसेस में देखा होगा, डेली लाइफ में देखा होगा, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे या फिर आपने जब टीचिंग करी होगी अपनी तब भी, कि उस टाइम पे आपने बच्चों से कुछ पूछा या आपसे कभी कुछ पूछा गया तो आपको माइंड में तो होता है कि कहीं सुना है, इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या है क्या है। तो इस तरह से क्या होता है, वो टाइम आप स्किप कर जाते हैं और उस टाइम पे आपको रिकॉल नहीं होता है कि आपने पढ़ा तो था, सुना तो था, समझा तो था, लेकिन क्या है वहाँ पे आप बोल ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक हमारा अवगुण है कि बच्चे को क्वेश्चनिंग मेथड के अंदर रिकॉल करने में जो टाइम लगता है, जो टाइम कंज्यूम होता है, वहाँ पे बच्चों के लिए कोई और बेनिफिट्स नहीं रखे जाते। अगर उसने उस टाइम में बोल दिया ठीक है, नहीं तो मैडम क्या है किसी दूसरे से पूछ लेगा जिसको पता होगा, किसी तीसरे से पूछ लेगा, नहीं तो उस क्वेश्चन को स्किप करके अगला क्वेश्चन बोल देगा। तो हमारा क्या है, जो क्वेश्चन वाली विधि है हमारी, क्वेश्चनिंग मेथड, इसके अंदर ये अवगुण है। अगर आपका यही रिटर्न एग्जाम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेम क्वेश्चन रिटर्न एग्जाम में आता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि रिटर्न एग्जाम के अंदर अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है, 2 घंटे का टाइम है आपके पास पेपर कंप्लीट करने के लिए, आपने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन देख लिया और आपको रिकॉल नहीं हो रहा है कि याद नहीं आ रहा है कि क्या है इसका आंसर, याद तो था, मैंने पढ़ा तो था, तो वहाँ पे क्या होगा, आप उस टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पर उस क्वेश्चन को स्किप करके सेकेंड का आंसर कर सकते हैं, आप उसके लिए जगह छोड़ देते हैं या सोचते हैं बाद में आंसर कर दूंगा। तो जो आपको वो 2 घंटे का टाइम मिलता है ना, उसके अंदर आपके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम लिमिट्स नहीं है कि आपको अभी आंसर करना है। आप जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास टाइम रह गया, क्या पता सारे क्वेश्चन करते करते आपको बीच में याद आ जाए कि हाँ उसके बारे में तो वहाँ पर पढ़ा था, ये था, तो वहाँ पर क्या है, रिटर्न एग्जाम में आपके लिए वहाँ पर वो बेनिफिट्स होता है कि आपको एकदम से याद आया और आपने उसका आंसर कर दिया। लेकिन क्वेश्चनिंग मेथड में इसका ये अवगुण है कि आपको जब रिकॉल नहीं हो पाता है तो आप ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम आंसर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसका ये रिकॉल करने का इसका ये अवगुण है। इसके बाद जो होता है, आपको वैधता मैंने बता ही दिया है, भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, प्रत्यान का बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारी क्वेश्चनिंग मेथड भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक मैंने आपको 5 मेथड्स अपने वीडियो के थ्रू करवा दिए हैं, बाकी जो भी पेंडिंग है अभी मैं 1 बाय 1 आपको सारे कंप्लीट करवा दूंगी और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। इससे अलग आप हमारा पूरा KVS का जो भी सारी वीडियोस हैं साइकोलॉजी और पेडागोजी की वो देख ही रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और आपको अगर और चाहते हैं कि वीडियोस की KVS की DSSB के लिए और टॉपिक्स पे लेकर आएं तो आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। अगर आप ऑनलाइन हमारे कोर्सेज ख़रीदना चाहते हैं फॉर PGT कंप्यूटर साइंस एंड ऑल, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पे और नंबर्स पे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए मोटिवेट करिए, बिकॉज आपको पता ही है साइकोलॉजी कहती है हमारी कि जब तक हम बच्चों को या किसी भी चीज़ को मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो भी आगे चल के उसमें कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर आप हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो उससे भी हम मोटिवेट नहीं होंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। थैंक यू।